आमिर लियाकत की मौत के मुहरिकात क्या थे? हकायक जानने के लिए 23 जून को कब्र कुशाई की जाएगी। अदालती अहकामात पर महकमे सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सरबराह मुकर्रर, 5 दीगर तिब्बी माहिरीन भी शामिल। इमरान खान ने NRO देने से इनकार किया। साइफर और साजिश का नतीजा NRO 2 था जो मिल गया। बाबर अबान कहते हैं 117 मुकदमात सामने रखकर 34 नुकाती NRO बनाया गया। 1200 अरब के मुकदमात एक एक करके खत्म हो जाएंगे। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। तरमीम के बाद नैब को ही बंद कर देना चाहिए। शेख रशीद की ट्वीट में तनकीद, लिखा मुल्क में करप्ट सियासतदानों को कभी सजाएं नहीं हो सकती, सजाएं सिर्फ गरीब के लिए हैं। जो सदर रात को बिलों पर दस्तखत करता था अब उसे कानून में नकायस नजर आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा सदर जब एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। सदर रिकॉर्ड मंगवा कर देखें, नैब ने 4 सालों में क्या किया। नैब ने निज़ाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। सदर से गुजारिश है PTI की टोपी उतारें और देखें, इमरान को थ्रेट आया तो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुल्क में प्री मूनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में नशेबी इलाके जेरे आब, नदी नालों में तुगयानी। सिब्बी में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, खातून समेत 5 अफराद जां बहक, 4 जख्मी। आलिशानी डैम बरकान ब्रिज भर गया। ओकाड़ा में घर की दीवार गिरने से 1 शख्स जां बहक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। इस्लामाबाद और KP में भी बादल जमकर बरसे। लकी मरवत में रावता सड़कें बह गई। आज भी बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश की पेश गोई। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में 1 मरीज जां बहक, 113 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। 58 मरीजों की हालत नाजुक। खारिया में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल और वैन को टक्कर, 25 साल खातून मौके पर जां बहक, 2 साल बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। बस यू टर्न लेते ही मोटरसाइकिल और वैन से टकरा गई, बस ड्राइवर फरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।